सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीएनएल लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन भी बहुत ही धमाकेदार तेजी, लगभग 404% की तेजी। इस तेजी के पीछे का रीजन की बात करें तो आज के दिन की तेजी के पीछे का दोस्तों दो मेन रीजन है। उसमें से पहला रीजन की बात करें तो एक तो कंपनी को आज के दिन भी दो दो कंपनी को प्रोजेक्ट मिले, जो कि आप देख सकते हो कि जिसके चलते आज के दिन भी हमें स्टॉक में इस प्रकार के कमाल की रैली देखने को मिला। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला रीजन, क्योंकि आज के दिन भी इस कंपनी को दो दो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले। ये तो हो गया पहला रीजन। अगर हम दूसरा रीजन की बात करें तो दूसरा रीजन पूरे रेलवे सेक्टर के लिए दूसरा रीजन है, जो कि इनके जो रेलवे मिनिस्टर है दोस्तों, जो कि अभी तक हमें देखने को मिल रहा था अश्विनी वैष्णव जी, तो कल के दिन हमें सरकार के साइड से अनाउंसमेंट देखने को मिला जो कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये मतलब फिर से जो रेलवे मिनिस्टर पहले थे वो फिर से दोबारा इसी रेलवे मिनिस्टर को वो दोबारा रिटेन या फिर कंटिन्यू करेंगे, जिसके चलते हर एक रेलवे स्टॉक में हमें आज के दिन एक अच्छी खास हमें रैली देखने को मिला। और बाकी अगर हम इसके एक मंथ की बात करें तो आप देख सकते हो कि पिछले एक ही मंथ में स्टॉक ने लगभग 52% की तेजी दिखाई, और बाकी पांच पांच साल की बात करें तो 1800-1900% की प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट स्टॉक में बनाए दोस्तों, यानी कि स्टॉक जो एकदम टॉप पे, तो और कोई स्टॉक डिजर्व करे या ना करे, ये जो आरबीएनएल लिमिटेड स्टॉक आज आपको टॉप पे देखने को मिल रहा है, ये पूरी तरह से डिजर्व करता है कि ये स्टॉक, मतलब यहाँ से स्टॉक में अगर और भी 100 पॉइंट की रैली आता है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर ये स्टॉक अगर 500 तक भी चला जाता है तो भी वो उसको डिजर्व ही माना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की कंपनी को रेगुलर बेस पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, 500 करोड़, 400 करोड़, 700 करोड़, इस प्रकार के ऑर्डर, वो भी डेली बेस पे, ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया जिस हफ्ते में कंपनी को एक भी प्रोजेक्ट ना मिला हो। और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, क्यों प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जितने ज्यादा कंपनी को ऑर्डर मिलेगा उतने आने वाले टाइम में जो कंपनी के नंबर आएंगे, मतलब जैसे 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 कंपनी उस ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे वैसे कंपनी को पार्ट पेमेंट में पेमेंट मिलते रहेंगे, पेमेंट मिलेंगे तो वो चीजें इनकम में एडजस्ट होगा, तो आने वाले टाइम में जो कंपनी की इनकम रहेगा तो इनकम बहुत कमाल का सूट अप होगा, मतलब प्रॉफिट सूट अप होगा, अर्निंग सूट अप होगा, यानी कि कंपनी के जो आने वाले फ्यूचर के नंबर रहेंगे वो आपको बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते अभी से स्टॉक में हमें कमाल की रैली आ भी रहा है, और जब कंपनी नंबर प्रेजेंट करेंगे उसके बाद भी आपको स्टॉक में और भी कमाल की तेजी देखने को मिल जाएगा। तो आरबीएनएल लिमिटेड की बात करें भाई, जिसके पास भी है तो बस आपको इतना कहना चाहूंगा, कंपनी के अंदर इतने ग्रोथ आना बाकी है, और तो कोई ये सोच रहा है कि 1800% ये काफी है और यहाँ तक 400 तक सीमित रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही लंबी अवधि की बात करो, और आप देख भी रहे हो कि किस प्रकार की कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने ज्यादा कंपनी को ऑर्डर मिलते रहे, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चीज को अभी भी नोट करके रख लो, आने वाले फ्यूचर में इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को आपको मिलते देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते आने वाले टाइम में भी ये कंपनी आपको और भी अच्छे करते आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बीच बीच में इस प्रकार के ऑप्शन नाउ दिखाएगा, जो कि इससे पहले भी दिखाया था और आगे भी दिखाने वाले, बट उससे ऐसा नहीं कि कोई कंपनी खत्म हो जाएंगे, एक तरह से बोल सकते हो कि अच्छी भी पॉइंट है, मतलब एक तरफा स्टॉक भागता है तो वो बहुत रिस्की पैटर्न बन जाता है, ऐसे भागना फिर गिरना फिर कंसोलिडेशन करना फिर अगेन सूट अप करना वो सबसे बड़ी तेजी होती है, और वो तेजी टिकता भी है। फिलहाल तो 400 के लेवल को हर्डल फेस कर रहे हैं, जो कि इससे आप देख सकते हो कि इससे पहले ये स्टॉक 100 के नीचे था, काफी टाइम 100 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जैसे ब्रेकआउट दिया सीधा 50-60 मतलब 50-100 पॉइंट की तेजी, फिर अगेन 200 को हटल, 200 को ब्रेक करने के लिए कितना टाइम लगा, 200 को ब्रेक किया सीधा 300 की तेजी, फिर अगेन 300 और 200 के बीच में और 250 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, फिर 300 को ब्रेकआउट दिया तो सीधा 400 की रैली, अभी फिलहाल 350 और 400 के रेंज में, मतलब 350 और 400 के रेंज में 50 पॉइंट के रेंज में स्टॉक अपने आप को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, जैसे 400 को ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि हाल ही में दिया भी था, अगेन देने वाले कुछ दिनों में, वैसे सीधा आपको और 100 पॉइंट यानी कि 500-550 तक भी रैली इजीली देखने को मिल जाएगा। तो इतना कहना चाहूंगा कि कंपनी जिस प्रकार की कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है तो शायद से आने वाले टाइम में भी ये तेजी आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, किसी के पास है आप चाहो तो और भी लंबी अवधि के लिए बने रह सकते। देन अगला स्टॉक की बात करें तो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, अगर हम आज के दिन की बात करें तो 5% के लॉस, 5 दिन में लगभग 9%, पिछले एक मंथ की बात करें रफली देखोगे तो 15% डाउन, बीच में ऐसा लगा था जो स्टॉक 1800 के लेवल से जो बाउंस बैक दिखाया था, ऐसा लगा था कि पूरे एक हफ्ते स्टॉक में अपर सर्किट, तो ऐसा लगा था कि शायद से अपर सर्किट कंटिन्यू होगा, और जहां से स्टॉक गिरा है यानी कि इस 3000 के लेवल से इस लेवल तक भी स्टॉक एक ही झटके में हमें इस लेवल तक भी वो जरूर अचीव कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली कि इसने 2500 के लेवल को हर्डल फेस किया और उसके बाद से हमें एक अच्छे खासे स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टॉक में गिरावट तो जरूर हो रहा है, बट उसी के साथ साथ आज के दिन जिस लेवल पे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है,
अगर हम टेक्निकली बात करें तो, क्योंकि अगर 2000 को ब्रेकआउट देता है तो उसमें से और भी 100-200 पॉइंट की आपको, मतलब और भी आपको 100-200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकता है। और क्या पता जो इस बार 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 वो 1800 के लेवल से यहाँ से बाउंस बैक करता है, अगर मार्केट तो एकदम टॉप पे, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुआ तो ये स्टॉक गिर के इस बार 1800 नहीं 1500 तक भी आ सकता है। यानी कि किसी ने अगर 3000 पे बाय किया तो 1500 तक भी स्टॉक शॉर्ट टाइम के लिए आ सकता है। अगर आता भी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खत्म हो जाएगी, कंपनी कभी कमबैक नहीं करेंगे। कंपनी के बिजनेस मॉडल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जिस प्रकार के कंपनी के बिजनेस मॉडल है, रिन्यूएबल एनर्जी एक फ्यूचर वाले, तो फ्यूचर में इस कंपनी के डिमांड बहुत कमाल के रहने वाले। और आपने ये भी देखा कि FY25 का किस प्रकार के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया, जिसके चलते आप ये मान के चल सकते हो कि कंपनी के लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस तो अच्छे रहेंगे, बट FY25 यानी कि इस साल की बात करें, फाइनेंशियल ईयर, वो भी आपको अच्छे देखने को मिलेगा। अगर नंबर अच्छे आएंगे तो दोबारा आपको स्टॉक प्राइस में कमबैक भी देखने को मिल जाएगा। रिस्की कंपनी है, जो कि मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, आप देख सकते हो कि सालों साल 10 साल से 2012 से लिस्टिंग हुआ उसके, उस 2012 में लिस्टिंग हुआ, उसके बाद 2020-21 तक स्टॉक इसी रेंज में था, बट एक्चुअल में जो स्टॉक में तेजी है वो 2022 के बाद, क्योंकि तभी से कंपनी को बिजनेस मिलना शुरू हुआ। अब जाके कंपनी के नंबर को देख लेना कि 2022 से पहले कंपनी एक साल में 7 करोड़, 8 करोड़, 13 करोड़ इस प्रकार की इनकम करते थे, पर 2022 के बाद जैसे इस सेक्टर को बूस्ट मिला, आत्मनिर्भर भारत, क्लीन एनर्जी, इस प्रकार के अनाउंसमेंट आए, तो 13 करोड़ की इनकम नेक्स्ट साल सीधा 150-150 करोड़ हो गए, मतलब 10-10 गुना ग्रो हो गए कंपनी की इनकम। तो कंपनी की इनकम अगर 10 गुना ग्रो होगा तो प्रॉफिट भी 10 गुना ग्रो होगा, जो लॉस में चलने वाले प्रॉफिट थे वो सीधा 9-10 गुना के हिसाब से ग्रो हुआ हर साल, तो स्टॉक भी उस प्रकार से रॉकेट भागा है। तो रिस्की कंपनी जरूर है, हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक जरूर है, इतने गिनने के बाद भी आज भी इसके अर्निंग के साथ इसके स्टॉक के पी आपको मैच देखने को मिलेगा, बट फ्यूचर में कंपनी को इतने ज्यादा डिमांड मिलने वाले, इतने ज्यादा कंपनी को ऑर्डर मिलेगा, जिसकी वजह से कंपनी की इनकम शूट अप होगा, अर्निंग शूट अप होगा, तो इजीली जो स्टॉक के पी है जो अभी आपको हायर नजर आ रहा है 100-150-200 पे, वो ऑटोमेटिकली कूल ऑफ या मैच हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसके बारे में अभी भी चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, खास करके उनके लिए बोल रहे हो किसी ने टॉप पे बाय किया और हेविली इनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर आप लंबी अवधि होल्ड करने के लिए रेडी हो तो ये लॉस में निकलने वाली कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं, रिस्की कंपनी जरूर है, हो सकता है स्टॉक और भी यहाँ से 20% गिरे, बट लंबी अवधि होल्ड करोगे तो ये कंपनी आपको जरूर कमबैक करते देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ किसी को अगर रिस्की स्टॉक में जाना है और थोड़ा यूनिक टाइप के बिजनेस मॉडल हो जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड हो, तो आप वारे रिन्यूअल के बारे में जरूर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में आज भी छोटी है, बहुत इसमें आपको प्रॉफिट, मतलब बहुत अच्छे खासी रिटर्न बना के दे सकता है, रिस्क उतना ही है, और उसी के साथ साथ अभी अच्छे खासे 30% के डिस्काउंट में अगर आप चाहो तो उस गिरावट का फायदा उठाने के बारे में भी कंसिडर कर सकते हो, और आपको ये कंपनी अच्छी लगती है और साथ साथ आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो। देन आखिरी स्टॉक की बात करें तो और एक इम्पॉर्टेंट, मतलब और एक दमदार कंपनी, सो KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अगर हम आज के दिन की बात करें तो 1% थी, और ये भी स्टॉक देखोगे हाँ 6 मंथ में 115% के नेट प्रॉफिट है, बट जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उसके बाद, जिसने फिफ्थ मंथ में बाय किया उसके बाद पिछले 4 मंथ से स्टॉक एक ही रेंज में बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये जो कंसोलिडेशन है वो इंपॉर्टेंट और भी इसलिए बन चुका है क्योंकि अभी कंपनी को उस प्रकार से ऑर्डर मिल नहीं पा रहा है जो ऑर्डर कंपनी को पहले मिलते थे। इसके लिए आपने पहले, अगर आप इसके पहले के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो कितना स्मूथली था, और डेली बेसिस पे कंपनी को कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलते थे और स्टॉक में मार्केट खुलती स्टॉक में अपर सर्किट और स्टॉक सीधा कमाल की ग्रोथ दिखा है, बट फिलहाल के हिसाब से कंपनी को उस प्रकार के प्रोजेक्ट मिल नहीं रहे। फिलहाल 2 दिन 2 प्रोजेक्ट मिला था, बट वो बहुत ही छोटे छोटे थे, फिर भी बाजार ने थोड़े बहुत अप्रिशिएट किया, बट इस प्रकार के प्रोजेक्ट आपको और भी मिलना चाहिए, तभी जाके ये तेजी सस्टेन होगा और आगे और भी फॉर्दर रैली है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी पिछले 5-5 साल में 8,500 के प्रॉफिट बना के दिया, ऊपर से एकदम अपना अर्निंग्स के आसपास है। अगर आप इसके 5 साल के अर्निंग्स को देखोगे तो अर्निंग्स यहाँ पे 70 पे, स्टॉक प्राइस भी 70 के आसपास ही स्टॉक की पी है, एक ही रेंज पे। पहले कैसा था कि अर्निंग्स थे 50 पे बस, स्टॉक पी 20 पे, मतलब बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में था, बट फिलहाल इसके अर्निंग्स और स्टॉक के पी यानी कि वैल्यूएशन एक ही रेंज में है। यानी कि मान लो आने वाले टाइम में जो कंपनी के नंबर आएंगे वो इस अर्निंग्स के ऊपर दिखा नहीं पाते, इसी रेंज में दिखाते जो कि 2 क्वार्टर से दिखा रहे, तो ये स्टॉक आपको धराक से इस प्रकार से गिरती हुई भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको पहले से अवेयर कर रहा हूँ कि कोई अगर बड़ा पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार में बिल्कुल भी मत लगाओ, क्योंकि स्टॉक एक हाई रेवोल्यूशन फिलहाल जोड़ पे, यानी कि कंपनी को आगे बहुत ही कमाल की इनकम दिखाने पड़ेंगे, बहुत ही कमाल के प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे, कमाल के EPS दिखाने पड़ेंगे, तभी जाके स्टॉक प्राइस जो आज टॉप पे है एकदम हाई पे वो मतलब उस चीज को वो सस्टेन रख पाएंगे, नहीं तो इजीली जो अभी फिलहाल 1750 को वो हर्डल मतलब बार बार सपोर्ट के साथ सपोर्ट ले रहे हैं
वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा उस बाद 1500, यहाँ तक कि अगर ज्यादा खराब नंबर आता है और मार्केट भी बहुत ज्यादा प्रेशर दिखाते हैं, क्योंकि आज तो बाजार टॉप पे है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए स्टॉक भी उस प्रकार की गिरावट दिखा नहीं रहे। कभी ऐसा होगा कि बाजार में भी आपको जोरदार गिरावट देखने को मिलेगा, और जो छोटे साइज की कंपनी है जिन्होंने इस प्रकार के प्रॉफिट बना के दिए 8000% 9000% की, उसमें जोरदार गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बाकी देख भी सकते हो कि स्टॉक ने, ये जो सूट अप स्टॉक ने दिखा है, 200-250 रुपये चलने वाले स्टॉक 2023 के आसपास 200-250 रुपये थे, आज देख सकते हो कि सीधा 2000 पे, एक एक साल में कितने कमाल की ग्रोथ दिखा है। तो स्टॉक इतने टॉप पे है, तो टॉप इस तेजी को अगर मेंटेन रखना है, आगे और भी फर्दर रैली दिखाना है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। ऑर्डर मिलेगा तभी जाके आने वाले टाइम में कंपनी के आपके अर्निंग्स ग्रो होगा, प्रॉफिट ग्रो होगा, और ये जो वैल्यूएशन है स्टॉक के प्राइस, वो उस चीज़ को वो मैनेज कर पाएंगे। तो बस इसीलिए अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, कंपनी खराब नहीं है, यहाँ तक कि किसी ने टॉप पे बाय किया 2000 के ऊपर, तो लॉस में निकलने वाली कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म सबसे बात करते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी या से भी बहुत बड़ी कंपनी आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। बट किसी को फेज बाय करना है तो या तो स्टॉक दोबारा 1750 के आ जाए, तो चाहो तो एक स्टॉक में लगा सकते हो, क्योंकि स्टॉक में आगे और भी फर्दर गिरावट हो सकता है। तो हर गिरावट में एवरेज और फ्रेज और मतलब हर गिरावट में थोड़े थोड़े एवरेज करने के लिए भी आपके पास कैपिटल होना चाहिए। बाकी कंपनी अच्छी है, आप जरूर लंबी अवधि के लिए बने